आज देश का सबसे एडवांस मौसम सैटेलाइट लॉन्च होने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से मौसम संबंधी उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च करेगा। इसे शाम 5:35 पर लॉन्च किया जाएगा। ये सैटेलाइट मौसम की सटीक जानकारी देगा। इस सैटेलाइट का निकनेम नॉटी बॉय रखा गया है। क्या है इनसेट 3DS मिशन, इस सैटेलाइट की खासियत क्या है और इसका नाम नॉटी बॉय क्यों रखा गया, चलिए आपको बताते हैं। इनसेट 3DS मिशन क्या है, इस सैटेलाइट को मौसम की सटीक भविष्यवाणी, किसी भी आपदा की चेतावनी और महासागर स्तर की निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस उपग्रह से वर्तमान में संचालित इनसेट 3D और इनसेट 3DR उपग्रहों के साथ मौसम संबंधी सेवाओं में वृद्धि होगी। क्या है इनसेट 3DS सैटेलाइट की खासियत, इनसेट 3DS सैटेलाइट की लॉन्चिंग GSLV यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से की जाएगी। ये एक 3 चरण वाला 51.7 मीटर लंबा प्रेक्षण यान है जिसका वजन 420 टन है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि 10 नवंबर 2023 से इनसेट 3DS का परीक्षण शुरू हुआ था। इनसेट 3DS में 6 चैनल इमेजर लगे हैं। इनसेट 3DS में 19 चैनल साउंडर लगे हैं, जिसकी वजह से मौसम की सटीक जानकारी देना आसान हो जाएगा। ये आसमान से धरती पर नजर रखेगा। ये उपग्रह इसरो को कई अहम डेटा देगा, जिसका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन में भी किया जा सकेगा। सैटेलाइट का नाम नॉटी बॉय क्यों रखा गया, इसरो के मुताबिक GSLV रॉकेट से ये 16वां मिशन है। इससे पहले 15 मिशनों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसमें से सिर्फ 4 मिशन ही फेल हुए हैं। GSLV रॉकेट की सफलता दर को देखते हुए इसे नॉटी बॉय नाम मिला है।